लगी है, तो हमने सोचा कि चलो आज चलते हैं कहीं घूम के आते हैं, कहीं कुछ देख के आते हैं। तो माही को आज बाहर लेके आया, अनिका को बाहर लेके आया। अनिका से हाय। ये अनिका बाय कर रही है आप सभी को। तो चलिए हम लोग आए। ये एरिया होता है सुख वाकिफ में, ये सारा गोल्ड शॉप है जहाँ पे की सारी गोल्ड शॉपें हैं, और ये सबसे पुरानी गोल्ड शॉप है यहाँ कतर की, जिसमें कि आपको पूरी मार्केट यहाँ गोल्ड की आपको दिखेगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरी एंड तक ये गोल्ड शॉप है, जिसमें कि आपको हर एक क्वालिटी की गोल्ड शॉप लाइक गोल्ड मिल जाता है। बाकी ये बाकी क्वालिटी चेक्स 110% होती है, आप इसमें कहीं कोई गलतियाँ नहीं कर सकते। तो आज सोचा चलो माही को ये एरिया दिखा दूँ, ये होता है इस सुख वॉकिंग में। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ शॉप में, जो शॉप में हम जा रहे हैं। और हमारे अंदर देखिए गोल्ड सारी गोल्ड्स हैं, डायमंड गोल्ड्स इंक्लूडेड है। ये रिंग्स का एरिया है, आप बैठे हुए हैं और मैडम उधर देख रही है शॉप पे, थोड़ा ओवरव्यू ले रही है। सुनो बेटा, ए ए ले ले। अच्छा ये लुक, ये देखिए देखिए, रहे हैं अपने घर की तरफ। आपको ज़्यादा शॉप का नहीं दिखाया क्योंकि उसमें काफ़ी रश था, तो इस वजह से। और हाँ, बट हमने हम हर एक गोल्ड की प्राइस चेक की है, सब कुछ चेक किया और हमें अच्छा लगा। ठीक है कि पुरानी गोल्ड शॉप है और ये लोकल शॉप कही जाती है, क्योंकि वहाँ पे कस्टम ड्यूटी ज़्यादा होता है और यहाँ पे कस्टम ड्यूटी कम होता है, क्योंकि ये लोकल मार्केट है और वो इंटरनेशनल मार्केट में आया, तो बस यही फ़र्क होता है। हम लोग वेट कर रहे हैं कैब का, कैब आने का, बुक कर रहे हैं कैब। हम बाहर में मजा ले रहे हैं, थोड़ी गर्मी कम है, थोड़ा बैठ के कि यहाँ गर्मी थोड़ा कम है, तो हम लोग सोचे कि यहाँ बैठ जाते हैं, अच्छा लग रहा बैठ के। यहाँ रोड की साइड चल रही है, बैठ गए है ना बेटा, फिर के चली। मुझे तो जाने का मन नहीं हो रहा है यहाँ से, मैं तो यहीं बैठी रहूँगी, मेरा मन ऐसा हो रहा है। मैं नहीं आ रही ना, जाना ही पड़ेगा, ये लोग छोड़ के चले जाएंगे फिर। सो फ्रेंड्स, हम थक थका के रूम पे आ चुके हैं, फ्लैट पे आ चुके हैं, और अब हम कपड़े चेंज करेंगे और खाना खाएंगे। मैडम अभी खाना बनाएंगी, रोटी बनाएंगी है ना रोटी बनाएंगी और हम खाना खाएंगे, अब भूख लग रही है बहुत तेज़। सो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अब मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है तो हम बाहर जाया करेंगे, गर्मी की वजह से हम बाहर नहीं जाया करते थे, तो अब बाहर जाया करेंगे। मौसम अच्छा होने वाला है, धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा और वेदर भी अच्छा होता जाएगा। सो ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं खींचते और यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हमारे को काफ़ी वीडियो बनाने के लिए इनक्रेज करता है कि हम वीडियो और बनाएं। सो प्लीज़ एक कमेंट कीजिए, एक लाइक कीजिए और एक सब्सक्राइब कीजिए।